जेंट्स कलीदार कुर्ते की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। जेंट्स कलीदार कुर्ते का मेजरमेंट इस प्रकार है। सबसे पहले फुल लेंथ 38 इंच, क्रॉस बैक 16 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 34 इंच, हिप 38 इंच, नेक 15 इंच, स्लीव लेंथ 24 इंच और बॉटम 7 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे? फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 38 इंच है, सीम अलाउंस आधा इंच, टर्निंग 8 इंच, टोटल 39.5 यानी के 39.5 इंच। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे 39.5 इंच। ये हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। यहां से यहां तक 39.5 यानी 39.5 इंच हमने लेंथ ली। उसके बाद अक्रॉस बैक लेंगे, अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे। अक्रॉस बैक हमारा 16 इंच है, अक्रॉस बैक का जब हमने हाफ किया तो हमारा 8 इंच आया। यहां से यहां तक आपने 8 इंच में निशान लगाना है। सबसे पहले लेंथ ली, फिर तीरे का निशान लगाया 8 इंच। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कलीदार कुर्ता है तो सबसे पहले लेंथ लेने के बाद और जो हमने तीरा लिया है 8 इंच उतना ही हम नीचे में लेंगे। अक्रॉस बैक का हाफ 8 इंच नीचे निशान लगाना है जहां तक हमने लेंथ ली है अपनी। ये लेंथ का निशान लगाना है। ये एक आप देख रहे हो कि इस तरीके से हमारे पास चौड़ाई और लंबाई में निशान लगा के खाका तैयार हो गया। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाया, तीरे का लगाया। तीरा हमारे पास 8 इंच है, 8 इंच आगे आए और निशान लगाया और 8 इंच पे ही हमने नीचे निशान लगाना है और इस तरीके से मिला देना है। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए आर्म होल कैसे निकालते हैं? आर्म होल चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच। चेस्ट हमारे 36 है, 36 को 4 से डिवाइड करने पे 9 इंच में माइनस 1 इंच करेंगे तो 8 इंच। मैं 9 इंच माइनस 1 इंच बराबर 8 इंच। ये जो हमारी लाइन है ये वाली, इस लाइन से डाउन आएंगे हम 8 इंच। यहां से 8 इंच डाउन आ गए ये निशान लगा लिया। 8 इंच डाउन आने के बाद इस लाइन को स्लीव लेंथ जितनी आपकी है उतनी आगे जाना है। स्लीव लेंथ हमारी 24 है। स्लीव लेंथ को इस प्रकार आप आगे ले जाओगे जो आपकी फुल लेंथ है वहीं से आप मिलाते हुए तीरे को मिलाते हुए स्लीव लेंथ को आगे तक जितनी भी लेंथ है हमारी आगे ले जाएंगे इस लेंथ को। ये यहां से यहां तक हमारी स्लीव लेंथ है 24। इसका जो तरीका है स्लीव लेंथ निकालने का, स्लीव लेंथ प्लस टर्निंग और सीम अलाउंस हम इसमें ऐड करके चलेंगे, वो अभी मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूंगी इसको। ये हमारी स्लीव लेंथ है, ये हमारा आर्म होल हो गया। अब ये जो आर्म होल का निशान है इसको C
सीधा जितनी स्लीव लेंथ है हमें मिलाना है।
ये जो हम चेस्ट का सिक्स निशान मिला ये हमारे पॉकेट के लिए मिला है, उसके बाद नीचे निशान लगाएंगे हम यहाँ पे चेस्ट का एट, चेस्ट का एट हम यहाँ भी निकाल चुके हैं साढ़े चार इंच, यहाँ पे हम साढ़े चार इंच नीचे आते हैं और ये निशान लगा लेते हैं। इसके बाद ये हमारा पॉइंट बन गया, यहाँ पे हम पॉकेट शो करेंगे। सबसे पहले हम गला बना लेते हैं फिर उसके बाद पॉकेट करेंगे। गले के लिए गले की जो विड्थ निकालनी है चेस्ट डिवाइड बाय 12, जो गले की चौड़ाई है वो होगी हमारी चेस्ट डिवाइड बाय 12। नेक की विड्थ और नेक की जो लेंथ है चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस हाफ इंच, ये हुआ साढ़े तीन इंच। चौड़ाई तीन इंच ले ली है और लंबाई साढ़े तीन इंच निशान लगा के यहाँ पे ये निशान लगाया और ये इस निशान को लगा के हल्की हल्की गोलाई देते हुए साढ़े तीन वाली लेंथ से मिला देना है। उसके बाद प्लेकेट के लिए निशान लगाना है। प्लेकेट के लिए जो निशान लगाएंगे हम वो प्लेकेट के लिए चेन डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 प्लस किया 1 तो हमें यहाँ 10 इंच मिला। 10 इंच की जो है हम यहाँ पे प्लेकेट के लिए नीचे डाउन आएंगे। अंदर की तरफ इसको 10 इंच आपने डाउन आना है। ये हमारी प्लेकेट है, ये प्लेकेट का हो गया निशान, ये हमारा जो आर्मोर का हो गया, ये तीरे का हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी पॉकेट शो करनी है। पॉकेट शो करने के लिए ये हम आए थे 3 इंच, फिर 6, फिर 4.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट की स्टोरी जो पॉकेट है उसकी चौड़ाई लेनी है। पॉकेट की चौड़ाई हमें लेनी है चेस्ट का 12 और पॉकेट की जो लेंथ लेनी है वो लेनी है हमें चेस्ट का 6 और इस प्रकार से पॉकेट इसमें शो करोगे। ये पॉकेट बनाते हुए कोई भी शेप दे सकते हो आप इसकी पॉकेट की। ये पॉकेट की ओपनिंग हो गई है, ये पॉकेट हो गई है हमारी। इसके बाद आप यहाँ पे जो फ्रंट की पॉकेट लगती है उसको लगाने का जो फॉर्मेट है उसकी लंबाई चौड़ाई देखनी है आपने। पॉकेट की फ्रंट पॉकेट की चौड़ाई है चेस्ट का 6 माइनस 1, पॉकेट की चौड़ाई हुई, पॉकेट की लेंथ चेस्ट का 6। पॉकेट की जो विड्थ है चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1 इंच करना है। पांच इंच आपकी पॉकेट की चौड़ाई निकली और लेंथ के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 6 इंच। पॉकेट की लेंथ 6 इंच और चौड़ाई 5 इंच। आर्म होल को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी पॉकेट बनानी है इस प्रकार से। जो हमारी आर्म होल है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपने अपनी पॉकेट शो करनी है। पॉकेट को कोई भी आप शेप दे सकते हो, कोई भी डिजाइन में आप पॉकेट बना सकते हो।
ये आपने यहाँ पे कॉपी शो करनी है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1 इंच और लेंथ है हमारी चेस्ट डिवाइड बाय 6 यानी 6 इंच। ये हमारी कलीदार कुर्ते की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको मेंशन करेंगे हमने कौन सा पार्ट कितना लिया है। यहाँ से यहाँ तक एक्रोस बैक कट 2 किया, एक्रोस बैक हमारा 16 है तो हमने यहाँ पे 8 इंच लिया। गले की चौड़ाई चेस्ट का 12, लंबाई के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस हाफ इंच, प्लेकेट के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, प्लेकेट ली हमने यहां से यहां तक 10 इंच, फुल लेंथ यहां से यहां तक फुल लेंथ हमारी है 39.5 यानी के 39.5 इंच। ये यहाँ पे भी आपने मेंशन करना है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक्रोस बैक का हाफ किया 8 इंच, ये यहाँ से यहाँ तक चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच बराबर 7 इंच, यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 16, चेस्ट डिवाइड बाय 8, यहाँ पे भी चेस्ट डिवाइड बाय 8। आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपने कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने 4.5 लिया ऐसे करके 4.5। अब ये जो फॉर्मेट के हिसाब से लिखोगे तो ये याद रह जाता है कि हाँ हमने यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है। ये यहाँ पे हमने चेस्ट डिवाइड बाय 12 3 इंच लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच लिया, ये यहाँ से यहाँ तक चेस्ट डिवाइड बाय 8 4.5 इंच लिया। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी स्लीव की लेंथ है, ये हम 1 इंच ओवरलैप होते हैं वो उसके ऊपर ओवरलैप होती है तो वहां से वहां तक हमने ये हमारी जो है स्लीव लेंथ है, स्लीव लेंथ हमारी 24 इंच है। उसके बाद हमारी बॉटम हमारी यहाँ 7 इंच है, यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगा के 7 इंच को ये जो हमारी आर्म होल लाइन है ये वाली, इससे इसको इस तरीके से हम मिला देंगे। बॉटम हमारी यहां से यहां तक 6 इंच 7 इंच है 7 इंच। यहां पे ये आप जो ओवरलैप आए हो ये हमारे 1 इंच। पॉकेट के लिए लिखना है आपने चेस्ट डिवाइड बाय 12, लेंथ के लिए लिखना है चेस्ट डिवाइड बाय 6। ये हमारी जो है कलीदार कुर्ते की, जेंट्स कलीदार कुर्ते की ड्राफ्टिंग बनके तैयार हुई।